हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि लिम्ब्रा सॉफ्टवेयर का सुपरमार्केट का जो सॉफ्टवेयर है, जिसको ग्रॉसरी शॉप बोलते हो या पीओएस शॉप बोलते हो, वो कैसे वर्कआउट करता है। ये इसका लॉगिन फॉर्म है, इसमें आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अंदर आना है। नॉर्मल यूज़र आईडी पासवर्ड है एडमिन एडमिन, जिसमें पूरे राइट्स मिलेंगे आपको। और इसमें आप दूसरा आप ये यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, और आपके जो बंदे लोग हैं जिनको आप काम पे रखे हो, उनको उनके राइट्स के हिसाब से उनका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके दे सकते हो। जैसे कि कोई बंदा है जिसको सिर्फ सेल का ही राइट देना है, तो वो सिर्फ सेल ही देखेगा, उसको बाकी का कुछ दिखेगा नहीं। किसी को परचेस देना है तो सिर्फ परचेस ही देखेगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी बची रहेगी, प्रॉफिट लॉस वगैरह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, परचेस रेट वगैरह कुछ पता नहीं चलेगा। तो रिकॉर्ड में आपके जो मटेरियल मास्टर है, जहाँ पर आप मटेरियल भरते हैं, उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालना है आपको। यहाँ पर 5 बटन पर काम चलता है, जैसे कि न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन भी चलता है, और एक्स्ट्रा बटन है बारकोड के लिए और प्लस उसका प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी इसके अंदर जो मार्केट में रेगुलर प्रोडक्ट्स है, वैसे एक 5000 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसमें फीडेड है, प्लस आप इसमें नए प्रोडक्ट्स जितने आपको चाहिए उतने अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके अंदर है न्यू बटन, जैसे ही दबाओगे आप तो बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। इसमें ये पूछेगा कि जो प्रोडक्ट आपका है उस पर ऑलरेडी बारकोड लगा हुआ है या आपको लगाना है नए आपके ब्रांडिंग के हिसाब से। जैसे कि अभी मुझे नया से लगाना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू बोलूँगा, तो उसका बारकोड नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, प्लस उसका एचएसएन कोड जो रहेगा वो डालेंगे। तो क्या नाम से आपको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि मुझे बनाना है शुगर के नाम से, जैसे कि शक्कर, ओके। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट रहेगा, क्योंकि अलग अलग हर बार आने वाला है। तो ये जो अलग अलग यूनिट्स पूछेगा वो कि ये कैसे आता है, तो ये नॉर्मली शक्कर जो है केजीज में आते हैं। तो उसका क्या एमआरपी रहेगा, मान के चलिए 40 रुपीज। उसका परचेस रेट आपको क्या आता है, मान के चलिए 34 रुपीज। उस पर अगर आप सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट लगाना चाहते हो, जैसे कि 2%, 3%, 5%, 10%, वो आप लगा सकते हो, ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ये हो गया रिटेल सेल रेट। दूसरा है होलसेल, आपको करना है इसी सॉफ्टवेयर में तो आप होलसेल भी कर सकते हो। तो ये होलसेल का प्राइस आप लगा सकते हो कि आपको क्या होलसेल प्राइस चाहिए। इसमें कितने टका GST आता है वो आपने लगा दिया। इसको अलग अलग कैटेगरीज वाइज कर सकते हो, जैसे कि बाथ सोप है, कॉस्मेटिक है, फूड आइटम्स है, उसका सब आइटम कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो। तो आपके पास में अभी अगर आपका ओपनिंग जो है स्टॉक है, जैसे कि सुपरमार्केट आपका ऑलरेडी चल रहा है, फिर हमने ये सॉफ्टवेयर लिया है, उसका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भर के रखना है, तो स्टॉक में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं है तो वो परचेस में से आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है ये फिनिश गुड है या इसको रीपैक करने वाले हो, रीपैक का मैं आगे दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं इसको फिनिश गुड लेता हूँ, मतलब ये मुझे मेरे पास में शुगर है वैसा आने वाला है, मैं इसको रीपैक नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, फिनिश गुड लिया और ओपनिंग स्टॉक में एक 100 किलो डाल दिया मैंने, 100 kgs, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये रिकॉर्ड इंसर्टेड। इस पे अगर आपको बारकोडिंग करके 100 किलो के पैक पे किलो किलो के हिसाब से लगाना चिटकाना तो चिटका सकते हैं। तो मैं फिनिश गुड के बारे में ये अभी था। इसमें रीपैकिंग कैसे करते हैं, न्यू बता दिया, बारकोड मुझे नया बनाना है, उसका एचएसएन कोड मैंने टाइप कर दिया, शुगर 250 ग्राम, मतलब 1/2 किलो का पैकेट, ये भी मैंने केजी के हिसाब से लिया, तो वो कितना है, 10 रुपये कीमत है उसका, वो मुझे होलसेल में नहीं देना है, ठीक है। 12% लग गया, फूड आइटम में आता है ये। इसका पैकिंग डेट क्या है और बेस्ट बिफोर क्या है ये आप लगा सकते हो, इसमें बारकोड में ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। और ये जो है ये रीपैकिंग का प्रोडक्ट है, मुझे रीपैक करके बेचना है, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, रिकॉर्ड इंसर्टेड। इसका आप बारकोड निकाल सकते हो, डायरेक्टली बारकोड आएगा। प्रिंट निकालना है आपको, प्रिंट कर दो, कितने प्रिंट चाहिए, सिर्फ उतने के ही निकालने हैं, तो ये वो हिसाब से आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, इस टाइप में आएगा। आप में इसको जैसा चाहिए वैसे आप मॉडिफाई करके ले सकते हो, पूरा कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपको कस्टमाइज करा के मिलेगा। ये जो नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करोगे और कस्टमाइज करा के लेना है आपको कि मुझे मेरी तरफ से सॉफ्टवेयर बना के लेना है, तो आप वैसे भी करा के ले सकते हो। तो ये हो गया ऐसे मटेरियल भरने का तरीका। अब मैं दिखाता हूँ कि रीपैकिंग के हम लोग कैसे कराते हैं, रीपैक काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग रिकॉर्ड में आइटम पैकिंग। तो मैं क्या करूंगा,
न्यू का बटन दबाऊंगा। आज की तारीख को मैं रीपैक कर रहा हूँ, क्या रीपैक कर रहा हूँ, तो मैं शुगर रीपैक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया, कितने किलो का शुगर का मैं रीपैक कर रहा हूँ, मान के चलिए बाबा मैं 25 किलो का बैग है वो मैं रीपैक कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, 25 किलो इस स्टॉक में से निकल जाएगा, इस आइटम के स्टॉक में से। और यहाँ पे ये अलग अलग जो शुगर्स के हम लोग रीपैक कर रहे हैं, जैसे कि किलो का किया मैंने 10, बाद में आधा किलो का मैंने किया उसका वो भी 10, और 2.5 किलो का मैंने किया 20, 250 ग्राम का सॉरी। तो ऐसे आ गया, ऐसे मैंने पूरे रीपैक करा के ले लिए और मैच करने के बाद मैं बस मैंने सेव कर दिया और उसका बारकोड निकाला। जैसे मैं बारकोड को क्लिक करूँगा तो ये सब लोगों के अलग अलग बारकोड्स निकाल के आपके हाथ में दे देगा। जैसे कि 40 बारकोड्स आ जाएंगे इसके पूरे, कि जो 10 बारकोड है वो 1 किलो का आ जाएगा, यहाँ पे 1 kg दिख रहा है वैसे, और वैसे ही बाकी के बारकोड्स भी आ जाएंगे, 10 किलो के आधे ग्राम के आएंगे, 250 ग्राम जो है 2.5 किलो के वो 20 बारकोड ऑटोमेटिक निकालेंगे। सब होने के बाद में सिर्फ सेव कर देना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। इससे होगा क्या कि मेन शुगर जो था, जो पोता आपने लेके आया हो, उसमें से 25 किलो कम हो जाएगा और ये जो आपने रीपैक किया हुआ ये स्टॉक में अंदर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग परचेसिंग कैसे काम करता है ये मटेरियल का। तो यहाँ परचेस बिल बोल के ऑप्शन है, इसमें होता वही है कि 5 बटन्स होते हैं इसमें टोटल, न्यू व्यू वगैरह। तो मैंने क्या किया कि डेट पे क्लिक किया, कौन से डेट का बिल है वो बिल यहाँ पे जनरेट के नंबर, बिल नंबर डाल दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाला। अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नया क्रिएट करना है, तो बाजू में बटन दिया हुआ क्लिक कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम मैंने डाला यहाँ पे, राज पाटिल ट्रेडर्स पुणे। कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी, उनका जीएससी नंबर जो रहेगा वो, बैंक के डिटेल, उनका स्टेट कौन सा है वो स्टेट का, उसका कोड, और अपने आंग पे कुछ अगर उनकी उधारी है तो वो उधारी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ पेंडिंग रहेगा तो बैलेंस वगैरह। और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, यहाँ पे आ गया राजपाटिल। ये जो बिल हमने किया ये कैश में है या क्रेडिट में है, अगर कैश है तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। अगर हमें अभी कुछ डाला हुआ है तो यहाँ पे बारकोड ऑलरेडी दिखाते रहेंगे उसके, क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा। जैसे पार्ले जी का पूरा है तो कितने यूनिट्स में ले रहा हूँ, जैसे कि मैं 10 यूनिट्स ले रहा हूँ, क्या रेट से आया हुआ है, तो ये रेट से आया हुआ ये नीचे आ गया। कुछ बारकोड जैसे कि हम डालते हैं पर वो होते नहीं है, नए बारकोड आते हैं, नया मटेरियल आता है, जैसे मैं वो बारकोड स्कैन करूंगा तो वो क्या बोलेगा कि वो प्रोडक्ट नहीं है, आप वो नया प्रोडक्ट एंटर करो। जैसे आप यस बोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो बारकोड का, आप जो रहेगा वो स्कैन करोगे। जैसे कि मैं अभी डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बारकोड नंबर आ गया, उसका HSN कोड आ गया, उसको नया क्रिएट कर रहा हूँ मैं। जैसे ABC ये प्रोडक्ट हो गया 1.5 kg का। ओके, इसका मैन्युफैक्चरिंग आ गया, यूनिट आ गया, MRP आ गई, जैसे कि मैं अभी डालूंगा 49 rupees। उसका परचेस रेट आया, आपको क्या परचेस रेट आ रहा है, मान के चलिए परचेस मुझे आ रहा है 45 rupees में, उसका कुछ डिस्काउंट रहे तो डिस्काउंट, होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस ऐसे पूछेगा वो। होलसेल का भी मैं अभी डाल के रख देता हूँ तो आपको आगे दिखाने के लिए आसान हो जाएगा मुझे, 12%। तो ये फूड आइटम में आता है, अभी मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक की ज़रूरत वगैरह नहीं है, और ये फिनिश गुड में आता है। सेव, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया मैंने, ये एक बार इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे आ गया ये। तो आपको डायरेक्टली इसका यूनिट ही डालना है, जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 मैंने लिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक पूरा GST वगैरह कैलकुलेट करके दे देगा। कैश डिस्काउंट कुछ आया हुआ है आपको 1%, 2% वगैरह, तो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दे सकते हो, एंटर करोगे नीचे आएगा, तो इस टाइप पे वर्कआउट करेगा। आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक वो बारकोड पूरे नीचे आते जाएंगे क्वांटिटी के हिसाब से, अगर नहीं रहेगा तो आप नया डाल सकते हो। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट पे अभी डाल रहा हूँ बारकोड के हिसाब से, पर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से डालना है। मान के चलिए आपको अभी जो डाल रहे थे हम लोग शुगर, वो डालना है, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो बाजू में क्लिक कर दिया आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे वो ऐड करके आ जाएगा पूरा। इस टाइप से पूरे उसे प्रोडक्ट्स आप डाल सकते हो, बाय मटेरियल, बाय आइटम नेम।
होने के बाद में सिर्फ सेव कर दो, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा वो। रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये हो गया परचेज का सिस्टम। दूसरा है इसमें सेल सिस्टम, जो हम लोग सेल करते हैं वो। सेल में भी बहुत अलग अलग तरीके आते हैं, जैसे कि कैश सेल आता है, क्रेडिट सेल आता है, और इसमें जो कस्टमर है ये रिटेल का आ गया है। कस्टमर का नाम आपको डालना है तो कस्टमर का नाम डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर ले लो, इससे क्या होता है आप पॉइंट सिस्टम उसका कर सकते हो कि इस मोबाइल नंबर पर कितने पॉइंट्स जमा हो रहे हैं उसके, कुछ स्कीम वगैरह लगाना है तो, और वो कैसे पेमेंट कर रहा है, कैश कर रहा है, कार्ड कर रहा है, या ऑनलाइन कुछ गूगल पे फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल दिए, ये आ गया प्रोडक्ट अभी जो हमने जस्ट भरा था, ABC 14 ऐसे आ गया। और शुगर का अगर मुझको डालना है कि कुछ बारकोड स्कैन नहीं हो रहे लेकिन मुझे हाथ से करना है, तो ये शुगर का भी डाल सकते, जैसे 250 ग्राम हमने अभी जस्ट किया था, तो उसका 10 रुपीज़ प्राइस है, कैलकुलेट करके नीचे ले लेगा। टोटल बिल का अमाउंट ऊपर दिखते रहेगा 59 रुपीज़, ठीक है, और उसने पे कितना किया है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का नोट पे किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना वापस देना है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। बस सेव करना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड, और प्रिंट के लिए पूछेगा, प्रिंट करके क्लिक करोगे तो प्रिंट आ जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू में आप देखोगे तो प्रिंट का पूरा हिसाब किताब आता है पूरा, कि कैसे प्रिंट वगैरह ऑपरेट होता है उसका। इसमें अलग अलग प्रिंटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि थर्मल प्रिंटर आपको यूज़ करना है तो थर्मल प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको समझो, मान लीजिए कि अब आपको उसके अंदर आपको इंकजेट प्रिंटर यूज़ करना है, बाद में दूसरा और कोई प्रिंटर यूज़ करना है, तो वो हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हो। और ये जो पूरा प्रिंटिंग है ये पूरा कस्टमाइज्ड है, कि आपको जैसा कस्टमाइज़ करना है आप इसको कस्टमाइज़ करके चेंजेस करके ले सकते हो, कि आपके हिसाब से डिज़ाइन पूरा बन के हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रेडिट सेल, जो हम लोग होलसेल का काम करते हैं या फिर उधारी का काम करते हैं किसी के साथ में, कि उनको उधारी देना होता है, तो आप वो उधारी के हिसाब से भी बेच सकते हो। न्यू कर दिया। अभी ये जो मुझे बेचना है ये रिटेल में बेचना है या होलसेल में बेचना है, मान लीजिए मुझे होलसेल में बेचना है, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डाल दिया हो, तो उसका 47 मैंने रेट डाला था, तो ये 47 बोल के आ गया, और रिटेल प्राइस में 49 डाला था, 49 बोल के आएगा। पर यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना कंपलसरी है, जैसे कस्टमर का नाम मैं क्लिक करूँगा तो उसका नाम आएगा यहाँ पे, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका GST होगा तो GST, सेव कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो कस्टमर का नाम विद एड्रेस आएगा, उसका मोबाइल नंबर भी आएगा, ओल्ड बैलेंस भी दिखेगा कि क्या दिया हो, और ये कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं, ये करके सेव करना है, सेम प्रिंट आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि उधारी का हिसाब किताब आप पूरा रख सकते हो, और होलसेलिंग करना है तो होलसेल भी कर सकते हो। ये कैश सेल आ गया, क्रेडिट सेल आ गया। अब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, साथ में आपको और एक सेल भी करना है, जैसे कि ये पेंडिंग में रह गया है और कस्टमर अंदर गया हुआ है दूसरी और एक चीज़ लाने के लिए, तो इसको मैं और एक बार क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक दूसरा सेल बिल न्यू वाला चालू हो जाएगा। ऐसे आप जितने चाहिए उतने सेल बिल पेंडिंग में रख सकते हो, जैसे कि एक सेल बिल हुआ, 2 सेल बिल हुआ, 3 सेल बिल हुआ, टॉगल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि कितने सेल बिल पे आप काम कर रहे हो, कौन से सेल बिल पे आप काम कर रहे हो, उतना सेल बिल सेव कर लो और बिल निकाल दो, ठीक है। इसमें और दूसरी चीज़ आती है कि जो आपका वेस्टेज है, जैसे कि समझो कोई एक्सपायर हो जाता है आइटम आपका, और नहीं तो फिर कुछ ब्रेकेज हो जाता है, तो आप यहाँ पे मटेरियल रिमूव में से आप उसको जो भी आपका आइटम है उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे न्यू कर दिया, वो कौन से रेट का है, क्यों कर रहे हो आप ये, मतलब वो एक्सपायर हुआ है या फिर वो ब्रेकेज हुआ है, तो उसका बारकोड आपने स्कैन कर दिया, मटेरियल आ गया, बैच नंबर आ गया, क्वांटिटी के हिसाब से नीचे डाल दिया, जितने मटेरियल आपके वो ऑटोमेटिक वो आपके स्टॉक में से रिमूव हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रीजन्स के वजह से, जैसे कि एक्सपायरी होता है, ब्रेकेज होता है, ख़राब हो गया होता है, तो वो हिसाब से आप उसको रिमूव कर सकते हो, स्टॉक में से चला जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपको बैंकिंग सिस्टम। बैंक में भी आप आपका जो बैंक का खाता है, जिसमें आपको बैंक के हिसाब से आप कार्ड में करते हो काम वगैरह, तो डिपॉजिट विड्रॉल का आप काम कर सकते हो। पेमेंट्स आ गया, जिससे आपसे परचेस करते हो उनको आप पेमेंट्स जब करते हो तो यहाँ पे करना है आपको। बाद में एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस में क्या होता है, कैटेगरी वाइज आप कर सकते हो, आपका खर्चा मेट कर सकते हो, जैसे कि लाइट बिल का आ गया, रेंट आ गया, ऐसे पूरे कैटेगरीज बना के आप उसमें कर सकते हो। ऑर्डर फॉर्म का ऑप्शन है, ऑर्डर फॉर्म मतलब क्या आता है कि आपका कुछ माल आपने मिनिमम स्टॉक के हिसाब से लगाया हुआ है, कि ये माल आपका अगर 10 क्वांटिटी के नीचे आ गया या 5 क्वांटिटी के नीचे आ गया तो ऑटोमेटिक ऑर्डर फॉर्म में जनरेट हो जाए,
इससे फायदा क्या होता है कि आपको मालूम पड़ते रहता है कि आपका माल कितना कम हो रहा है और वो आपको कौन सा ऑर्डर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पूरे रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ गया, जैसे परचेस रिपोर्ट आ गया, सेल रिपोर्ट आ गया, सेल अमाउंट आ गई कि सिर्फ अमाउंट ही दिखेगा इसमें। और इसमें ऑप्शन होता क्या है, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि फ्रॉम डेट टू डेट का ऑप्शन होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है, कि मुझे ये तारीख से लेके ये तारीख तक देखना है। इसका फायदा क्या होता है कि आप इसको रोज डेली भी देख सकते हो, जैसे कि 27 जैसे मैंने अभी जस्ट बिल किया था, प्लस आपको मान के चलिए मुझे महीने भर का देखना है तो आप एक महीने से क्लिक करके एक महीना सेलेक्ट कर सकते हो तो पूरा महीने का रिपोर्ट आ जाए। प्लस ये रिपोर्ट का आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो, इसको एक्सेल में या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं ऐसे ही सेम टू सेम परचेस रिटर्न, कि कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप रिटर्न करते हो तो उसका रिपोर्ट आ जाएगा। सेल रिटर्न, मैन्युफैक्चरर वाइज सेल मैंने कितना किया हुआ है उसका रिपोर्ट आएगा, मटेरियल वाइज सेल कितना किया है, टाइप वाइज सेल कितना किया है, मतलब मेरा फूड आइटम ज़्यादा जाता है या मेरा डिटर्जेंट ज़्यादा जाता है, सोप आइटम ज़्यादा जाता है, शैम्पू आइटम ज़्यादा जाता है, जो आपने कैटेगरी बनाई है वो हिसाब से आप पूरा उसका देख सकते हो। स्टॉक का ऑप्शन आ गया, नॉर्मल स्टॉक आता है, यानी कि अभी जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास में कितने लाख का स्टॉक गिरा हुआ है दुकान में, ये आप एक बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा आता है इसके अंदर आपको टाइप वाइज स्टॉक, फूड का स्टॉक कितना है, डिटर्जेंट का स्टॉक कितना है, वो सब पूरा अलग अलग कर सकते हो। जीएसटी वाइज स्टॉक, स्टॉक का पूरा डिटेल्स अपने को चाहिए कि परचेस कब हुआ है, सेल कब हुआ है, कौन कौन से डेट को हुआ है, ये पूरा पता चलता है। स्टॉक बुक आता है, एक आइटम कितनी बार परचेस हुआ है, कितनी बार सेल हुआ, जैसे कि शुगर का मैं लेता हूँ कि ये साल भर में मैंने कितनी बार शुगर परचेस किया है, कौन कौन से डेट को किया हुआ है, कौन कौन से डेट को सेल किया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कौन से महीने मुझे कौन सा स्टॉक ज़्यादा लगता है, वो हिसाब से आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाद में आता है पे मोड वाइज सेल, मतलब जो कार सेटलमेंट आप करते हो कि बाबा ये महीने मुझे कार सेटलमेंट करना है तो कितना अमाउंट है, आप बैंक से टैली कर सकते हो ये रिपोर्ट से। मटेरियल वाइज रिमूव जो आपने देखा है वो उसका रिपोर्ट आ जाएगा पूरा। मनी रिपोर्ट में लेजर्स आएंगे, पेंडिंग रिपोर्ट आएगा, जहाँ से आप माल लाते हैं उनके लेजर्स और पेंडिंग आएगा। कस्टमर के हिसाब से आएगा, कस्टमर का ऑल वाइज बिल वाइज वगैरह जो भी आपका निकलता है वो। प्लस दूसरा आता है इसमें एक्सपेंस रिपोर्ट, मतलब चाय पे मैंने ये महीने भर में कितना खर्चा किया, साल भर में कितना खर्चा किया, पूरा यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। पेमेंट रिपोर्ट, रिसीट रिपोर्ट, जीएसटी के रिपोर्ट्स आते हैं जो आपको भरने हैं, जीएसटी R1, जीएसटी R2 और 3B रिपोर्ट। प्रॉफिट लॉस आता है डेट वाइज, मटेरियल वाइज, मैन्युफैक्चर वाइज डिटेल्स। डे रिपोर्ट आता है जो ट्रायल बैलेंस आप लेते हो ना, कि आज के दिन भर का कितना हुआ, क्या हुआ, आया कितना, गया कितना, बाकी कितना है, स्टॉक कितना है, वो पूरा आ जाएगा। बैंक का पूरा रिपोर्ट आता है। स्टोरेज हमने कहाँ कहाँ किए हुए, कुछ कुछ चीज़ें हमने रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो गोडाउन वाइज, शॉप वाइज पूरा कर सकते हो। ये साइज का पूरा सॉफ्टवेयर है सर ये, और प्लस ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने लिए बहुत आसान है। प्लस इसमें कुछ आपको कस्टमाइज करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप वो हिसाब से कॉन्टैक्ट करके चेंज कर सकते हो, नीचे के नंबर पर दिए हुए हैं। ओके सर, थैंक यू।